हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज के साथ आपके आज सॉरी मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर क्या कहती हूँ सीरम का सीरम शेयर करूँगी, जो मैंने होममेड सीरम बनाया है उसको शेयर करूँगी मैं आज। ये आपकी स्किन पे अच्छा ग्लो भी देगा और बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी स्किन पर। मैं इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी और बनाकर भी दिखाऊंगी, पर फिर भी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं वो बात करूंगी। मैंने जितने भी आपको आपके साथ जो फेस पैक वगैरह जो शेयर किए हैं वो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने जो फेस पैक जो मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, जब वो आप देखेंगे और आप अप्लाई करेंगे अपने चेहरे पर, तो आप देखेंगे कि आपकी चेहरा एकदम पहले से बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है, बहुत अच्छा जो आपके डलनेस है स्किन पर वो नहीं रहेगी। और मैंने जो भी जितने फेस पैक आपके लिए जो आपके साथ जो शेयर किए हैं उन फेस पैक में ज़्यादा कुछ लगा नहीं है, सिर्फ घर की चीज़ों से ही मैंने वो बना दिया है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही की है कि वो सारी चीज़ें मैं घर के चीज़ों से ही मैं बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ घर बाज़ार से लेकर आए, मार्केट जाएं फिर लेकर आएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे तो फिर ये सब शेयर करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जो मैंने जो बनाए हैं वो आप पहले वो सब लगा के अप्लाई करके देखें फेस पर। और मैंने हर टाइप की स्किन के लिए मैंने बनाए हैं और किसी भी ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें मैंने अप्लाई डाला है कि वो आपकी स्किन पे कुछ हार्म होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी, रैसेज आएगी, कुछ भी नहीं होगा। मैंने सब चीज़ें घर की ही चीज़ें मैंने डाली हैं, जो आप यूज़ करते हैं खाने में वही सब चीज़ें मैंने उसमें डाल के रखी हैं। और आप अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पर अलग ही ग्लो आएगा और ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। और अगर कोई फ़ायदा हो तो मुझे आप लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों से ही मोटिवेट हो जाऊंगी, क्योंकि आप लाइक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुँच जाए। तो चलिए, बहुत बातें कर ली मैंने, अब इस सीरम के बारे में मैं आपको बताती हूँ ये सीरम बनाना कैसे है और कैसे अप्लाई करना है, मैं ये सब आपको बताऊँगी। देख लीजिए इसको बनाना कैसे है। इस सीरम के लिए हमें चाहिए एक खाली बाउल, इसमें मैं एक चम्मच एलोवेरा पतंजलि एलोवेरा जेल डालूँगी। ये देखिए एक चम्मच है। एक ईवीऑन का कैप्सूल डालूंगी, 400 mg का है ये। आप इसमें एक ही डालिए, अगर आपकी ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसमें दो भी डाल सकते हैं, मैं एक ही डालूंगी, मेरी नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। फिर मैं डालूंगी इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, दो से तीन ड्रॉप डालूंगी मैं इसमें। डालूंगी मैं टर्मरिक एसेंशियल ऑयल 2 ड्रॉप्स, फिर डालूंगी इसमें मैं ग्लिसरीन ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा, हाफ स्पून, हाफ से कम, आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार आप डाल सकते हैं, जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। ये क्रीमी फॉर्म हो जाएगा इसका, ये देखिए। ये देखिए
फिर इसमें मैं डालूंगी ग्रेप्स जूस, वन स्पून ग्रेप्स जूस डालूंगी। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये सीरम कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए, तब तक इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, जो अलग अलग फटा फटा सा दिख रहा था वो उस तरह का नहीं होना चाहिए। ये चलिए देखते इसको लगाना कैसे है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है और कैसे इसको लगाना है, मैं इसमें सब बताऊंगी आपको। आपका फेस क्लीन होना चाहिए, फेस वॉश करके आप आ जाइए। आप सुबह भी इसको लगा सकते हैं और रात में भी इसको लगा सकते हैं। रात में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो रात में भी अच्छे से वर्क करेंगी आपके चेहरे पर, और डिफरेंस आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। एकदम ग्लोई और अच्छी हाइड्रेट रहेगी आपकी स्किन और बेबी सॉफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन। इससे आप इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैंने इसमें जो एलोवेरा जेल डाला है, पतंजलि एलोवेरा जेल डाला है जो मैंने इसमें, वो आपकी स्किन को डल नहीं होने देगा। आपकी स्किन से सनबर्न है आपकी स्किन पर, किसी तरह के रैसेस वगैरह हैं, डल है आपकी स्किन, हाइड्रेट नहीं रहती है, वो सब इसमें है, वो जेल की वजह से सब सही रहेगा आपकी स्किन पर। और जो मैंने एसेंशियल ऑयल डाले हैं, रोजमेरी एसेंशियल, वो आपकी एक्ने फाइट होगी उससे, क्योंकि एक्ने जितने भी है वो नहीं होंगे आपको, और एक्ने से लड़ने की भी इसमें शक्ति है, जो कि आपकी स्किन पर जितने एक्ने हैं उसके पिंपल्स और एक्ने के निशान भी धीरे धीरे स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे। और जो मैंने टर्मरिक एसेंशियल ऑयल डाला है, उससे आपके पिंपल्स का एक्टिव एंटीबैक्टीरियल होता है हल्दी, तो उससे आपका ये सही होंगे, आपके पिंपल्स नहीं होंगे, आपके पिंपल्स धीरे धीरे आने कम हो जाएंगे। और मैंने जो विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाला है, वो आपके स्किन पर जो वो रिंकल्स आ जाते हैं और डल हो जाती है आपकी स्किन, वो नहीं होगी इससे। ये आप इसको ज़रूर बना के और देखिएगा आप। और जो मैंने इसमें ग्लिसरीन डाली है, उससे भी आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। तो चलिए इसको देखते हैं लगाना कैसे है। और ग्रेप्स जूस मैंने डाला है, उससे आपकी स्किन ग्लोई होगी और आपकी स्किन देखिए आप रेडिएंट हो जाएगी आपकी स्किन। आप ये बनाकर ज़रूर देखिए। मैंने इसमें सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको मिल जाएंगी इजीली मार्केट में, और आप कहेंगे तो एसेंशियल ऑयल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने पर्पल से ऑनलाइन ख़रीदा था। चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। क्लीन फेस होना चाहिए आपका। आप कभी भी किसी भी समय इसको लगा सकते हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, किसी भी समय जब आपका फेस वॉश हो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस इसको आपको थोड़ा ही लेना है, इतना ही लेना है आपको। ये देखिए रनिंग कंसिस्टेंसी, इसलिए वो बह रहा है। बस इसको लेकर ऐसे 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 लगा लेना है और ग्लो देखिए आप इसका। इससे मसाज कर लेनी है आपको। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ एक लिप बाम मैंने लगाया है। इसे धीरे धीरे मसाज कर लेनी है आपको इस तरह से। ये देखिए आपको डिफरेंस आपको खुद नजर आ जाएगा। ये नहीं है गाइस कि ये मैंने लगाया है तभी ऐसा ग्लो रहेगा, ऐसा ग्लो आपका पूरे समय रहेगा जब आप इसको सुबह वॉश करेंगे। अगर आपने रात में लगाया है, इसको आप सुबह वॉश करेंगे तो आपको ऐसे ही ग्लो नज़र आएगा। बस थोड़ा से पानी से आपको ऐसे ही नॉर्मल पानी से आपको वॉश कर लेना है
और देखिए आपको ऐसा ही रिजल्ट आपको लगेगा। और आप इसको बनाकर जरूर देखिए और डिस्क्रिप्शन सॉरी आप कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरम कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।